तो दोस्तों इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अंतरिक्ष विभाग को लगभग 12,544 करोड़ रुपए निर्धारित किए, क्योंकि भारत अगले साल मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान की योजना बना रहा है और चंद्रमा और अपने पड़ोसी ग्रहों का पता लगाने के लिए तैयार है। अंतरिक्ष विभाग का बजट एलोकेशन 2022-23 के लिए 13,700 करोड़ रुपए का था, जो अब घटाकर लगभग 8% कम कर दिया है। इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का उपयोग करके जुलाई में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान मूल रूप से दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, पर अब वो 2024 की फोर्थ क्वार्टर यानी कि चौथी तिमाही तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि इसरो इस साल परियोजना के लिए बिना चालक दल के उड़ान भरने की योजना बना रहा है। इसरो ने सूर्य, शुक्र और मंगल के लिए साइंस मिशन भी तैयार करके रखे हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए द वॉयस ऑफ ज्ञान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।